माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई डब्बा के तिलावत चल रही रमजान में। अरे दो मिनट दोस्त से बात कर लो, कहते बाद में कंटिन्यू कर लो तिलावत। बोलो जल्दी बोलो मियाँ, मेरे को तीसरा कुरान खत्म करने का है आज। कैसा भी दादब्बा पे पांच कुराना बख्शवाने का है रमजान में। माशाल्लाह माशाल्लाह, पांच कुराना खत्म करने वाले आप रमजान में? नहीं कर सकता समझे क्या, हर साल कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं बड़े भाई, मेरे को मालूम आप कर सकते। मैं खाली इतना पूछ रहा था, पांच कुराना तो पढ़ रहे आप, लेकिन पांच आया था तो समझ के पढ़ने वाले है आप? ये क्या बोल रहे मियाँ तुम? तुम और मैं कुरान समझ के पढ़े तो गुमराह हो जाते। गुमराह हो जाते क्या तभी बोल रहे मियाँ तुम? ऐसा कैसा गुमराह होते? हाँ मियाँ, अपन आलिम नहीं है ना। कैसी बात कर रहे भाई तुम, हिदायत गुमराही अल्लाह के हाथ में है। अगर हिदायत पाने की नीयत से अल्लाह के कलाम को पढ़े तो गुमराह कैसा होते? अपन नहीं समझ सकते मियाँ कुरान को, पूरे 14 उलूम होना पड़ता कुरान को समझने। आलिम है मियाँ तुम? मेरे भाई मैं तुम्हारे को विरासत के मसले हल करो नहीं बोल रहा हूँ, ना तलाक के फतवे दियो बोल रहा हूँ। क्या है कि मियाँ? कुरान में अल्लाह मियाँ कुरान को हुदल्लिन्नास बोले, बोले तो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। भाई गैर मुसलमानों के दिल पलट जाते, अपन तो ईमान वाले हैं ना। तुम्हारे को अरब भी जबान आती मियाँ? दुनिया की ऑलमोस्ट हर जबान में कुरान का तर्जुमा अवेलेबल है, समझने की कोशिश तो करो भाई। अपन नहीं समझ सकते मियाँ कुरान को, बहुत मुश्किल है कुरान को समझना। अल्लाह ताला बोले وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرٍ, और हमने इस किताब को आसान बनाया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? ये कुरान में है। अरे हाँ मियाँ, पूरी आयत सुनाया ना तुम्हारे। क्या है कि मियाँ, लोग क्या क्या की तर्जुमे कर लेते रहते कुरान के। मियाँ खुद कुरान की जबान सीखो, यानी तो जिस तर्जुमे पे तुमको भरोसा है उसका तर्जुमा पढ़ो, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में क्या बोलना चाह रहे ये समझने की कोशिश करो। ये इस किताब से हमारी पर्सनालिटी इस्लामिक पर्सनालिटी बन सकती। खाली दौर पे दौर करने से कुरान का हक अदा नहीं होने वाला मेरे भाई।